संडे, हमारी राइड का दिन। तो अभी हो गए हैं सुबह के 4:12। पहले मैं रेडी होके आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कहाँ जाने का है। अब हो गए 4:28 और मैं रेडी हूँ चलने के लिए। चलते हैं। अच्छा, बताना तो भूल ही गया जाना कहाँ है। तो हम जा रहे हैं ताजमहल। हर बार राइड थोड़ी छोटी होती है संडे की, बट इस बार हमने थोड़ी बड़ी रखी है। आना जाने का रन होगा मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर्स के अराउंड। जाम जा रहे हैं, आपने इंस्टाग्राम पे तो देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ना, नीचे आपको आईडी नहीं दिख रही। हाँ तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहाँ पे मेरी अपडेट्स आती रहती हैं, कर लो जल्दी से। अभी मेरे को बस जैकेट पहननी है, गियर पहनने हैं अपने और सब सारी चीज़ें सेट है। ऑल सेट टू लीव, बाइक निकालनी है, बस उसके बाद हम निकल रहे हैं। और कौन कौन जा रहे हैं हमारे साथ उनसे रास्ते में मिलवाता हूँ। चलो चलते हैं। पहले निकल रहा हूँ अब मैं, और आपको अपने राइडर से मिलवाता हूँ जो जो आज जाने वाले हैं। चलते हैं, मिलते हैं सबसे। आप पहचान ही गए होंगे, पहला राइडर ये कौन है? दुआ साहब। गौतम का हुआ सुबह सुबह कैंसिल और इनका हुआ राइड इज ऑन। जो सारे तैयार है, चल। ये हमारे दो राइडर्स, बढ़िया। और पोपो तो ये आपको याद होगा, अलवर राइड पे थे हमारे साथ वैभव और बाबा यागा, और ये पीछे है इनके बाबा यागा पोपो, जिनका नाम है जतिन यादव। ये हमारे अभी दो राइडर और आ गए, अब हम हो गए 6। चलो, आज हमारी पहली बार राइड। राइड पे मैस्ट्रो भी जाने वाली है। वैसे आपने देखा होगा हमेशा बाइक जाती थी, आज स्कूटी जाएंगी। मैं तो यही कहूँगा कि स्कूटी जो लेके जाए उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है, बहुत स्ट्रेंथ, सही में हिम्मत है। वैसे अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्योंकि राइड एंजॉय करनी है मेन, फर्क नहीं पड़ता कि इससे भी जाए। तो अभी रुके हैं यहाँ पे, चाय वगैरह पियेंगे, ठंड बहुत ज्यादा है सुबह से। अभी हम रुके हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करा है, ब्रेड पकौड़ा वगैरह चाय वगैरह ली है। अब यहाँ से बस निकलने की तैयारी है और निकल रहे हैं, सारे रेडी है, चलते हैं। अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा, अभी तो 100 किलोमीटर्स कवर हुआ है, थोड़ा रुक गए थे, निकलते हैं। वेलकम टू द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये है आगरा पोर्ट, तो ये है ताजमहल की पार्किंग इधर। अभी ताजमहल की पार्किंग के बाहर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। हम दो तो आ गए हैं जल्दी, बट अभी औरों का इंतज़ार है। तो अभी बाइक हमने पार्किंग में लगा दी, अब यहाँ से रिक्शे में जाएंगे आगे। आगे देखते हैं, ये हमको घुमा के लाएंगे, कुछ खा पी के आएंगे और पेठा वगैरह लेंगे यहाँ पे, और जगह एक्सप्लोर करते हैं इतने, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि हमारा स्लॉट आफ्टरनून का है 12 बजे बाद, और हम जल्दी आ गए। तो अभी चलते हैं पहले इसमें। ये है अब हमारी सवारी, तो अभी हम खाना खाने आए हैं।
तो ये अब यहाँ से एंट्री अंदर की। बस 200 मीटर हो रहे ताजमहल, लॉकर रूम में अपना सारा सामान रखा है और खाना वाना हमने खा लिया सब कुछ। अब चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं ताजमहल को। ये लॉकर रूम है इधर, इधर ये बाहर का एरिया पूरा। अब ये बहुत लंबी लाइन है, इसमें लगना पड़ेगा, बहुत देर लगने वाली है। यहाँ पूरा सैनिटाइजेशन चल रहा है तो टाइम लगेगा। ये देखिए ये पूरी लाइन है यहाँ तक, वो पीछे तक। फॉर्मेलिटीज के बाद एंट्री हमने कर ली। लाइन थी, उसके बाद सैनिटाइजेशन था, उसके बाद बैग चेकिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रही थी। तो अभी एंट्री वगैरह ली है और वो ताजमहल है और इधर से एंट्री गेट है। ये यहाँ से एंट्री है और सामने आप देख सकते हैं। यहाँ से अंदर की एंट्री हुई है, अब अंदर जा रहे हैं ताजमहल में। यार तू हमारा तो एडिट कर देगा, तेरे को गिनती की वीडियो बनानी होती है। अभी कैमरा में बंद करना पड़ेगा कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। टच करा रहे थे। ये देखिए अभी निकल रहे हैं यहाँ से। सनसेट देखने की हिम्मत तो नहीं हो रही, देखते हैं हम कि देखेंगे भी या नहीं। थक गए बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी यहाँ से निकल रहे हैं, बाहर जाते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर देखते हैं। अगर मन हुआ तो सनसेट देखेंगे, नहीं तो फिर निकलेंगे अब यहाँ से। सीरियसली बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा, बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई है। गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है, सुबह बहुत ठंड थी जब निकले थे और अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी 4 बजने वाले हैं और अभी हम 1 घंटा यहीं पे बैठ गए थे। अभी जाना है 230 किलोमीटर्स और चलते हैं। मन तो नहीं है बिल्कुल भी, अभी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। यहाँ से निकल गए हैं अब इस वाले गेट से भी, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। 4:45 हो गए हमें निकलते निकलते, बाहर आते आते टाइम लग गया थोड़ा और थके हुए बहुत हैं। तो अभी आगरा आए हैं तो पंछी पेठा अभी लेंगे, यहाँ जहाँ का जो फेमस है वो लेके जाएंगे। हाँ हाँ, आगरा में 9 है, आप नेट पे सर्च कर लो, ऐसे आप जिस जैसे पूछोगे ना सब आपको ओरिजिनली बताएंगे अपने दुकान पे माल बेचने के लिए। तो हमारा ऑनलाइन दुकानों की फोटो भी है, ये रेट लिस्ट है और इतनी वैरायटी से पंछी वालों की मिल रही है। तो ये शॉप थी जहाँ से हमने लिया, ये भैया। ओह मेरा बैग खुला हुआ है, देखो लोग इसमें रखते हैं सामान, हमने रखे हैं पेठे ही पेठे, अब हम पूरी रेवाड़ी में बेचेंगे पेठे। फाइनली हम मन्नत आ गए हैं और 10:30 हो गए हैं
तो काफ़ी लेट हो गया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा धीरे आना पड़ा। अभी मन्नत ढाबे पे है, यहाँ पे खाना खाएंगे। मेरे भाई जा रहे हैं अभी यहाँ से, बाय बाय। अभी निकल रहे हैं मन्नत से, ओके भाई, ओके पप्पू। इन दोनों को भी अब सी ऑफ कर दिया, वो निकल रहे हैं अपने घर, ठीक है। फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ और 12:15 हो रहे हैं रात के, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आइडिया आपको नीचे दिख रही होगी। अगर आपको व्लॉग में जो भी पार्ट आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर। Oh, 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 oh